दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यानी कि भानुमति के कुनबे का मायने ये माना जाता है कि जब भी कभी कोई आदमी किसी मकसद के लिए इकट्ठे होने लगें और वो अलग अलग विचारधारा के लोग हों और एक साथ आ जाएं, तो उसको भानुमति का कुनबा कहते हैं। राजनीति के अंदर भानुमति का कुनबा जोड़ना बड़ी सामान्य सी बात है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो आप हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब चुनाव आता है तो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, यानी कि अपनी पार्टियों के अंदर शामिल कर लेते हैं। आप माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश के अंदर और 2014 के विधानसभा से पहले पूरे हरियाणा के अंदर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और वहाँ वो ऐसा कुनबा जुड़ा था कि जिस कुनबे की रियासत आज तक कायम है देश के अंदर और हरियाणा के अंदर भी। अब हरियाणा में चुनाव है। जब मैं आपसे हरियाणा की बात कर रहा हूँ तो आपको साथ जोड़ना ज़रूरी है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ था और उसके अंदर भी एक ऐसा कुनबा जुड़ा था कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिले थे वो पहुंच गए थे जननायक जनता पार्टी में और जननायक जनता पार्टी में पहुंच करके वो लोग विधायक बन गए थे। जननायक जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के एक पार्टी बनी जिसके अंदर की तमाम लोग शामिल हुए और वो पार्टी के अंदर 10 विधायक उनके चुन करके आ गए। 10 विधायक चुनने के बाद में, क्योंकि मनोहर लाल के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था 2019 का, बहुमत मिला नहीं तो फिर नैया के खेवैया बने दुष्यंत चौटाला और दुष्यंत चौटाला अपने 10 विधायकों के साथ उन्होंने समर्थन दिया जननायक जनता पार्टी का बीजेपी को। गठबंधन की सरकार बन गई। सरकार वो चलती रही और 12 मार्च को उस सरकार का पतन हो गया। मनोहर लाल मुख्यमंत्री नहीं रहे, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री नहीं रहे और दुष्यंत चौटाला के तमाम विधायक उनसे दूर होते चले गए। हालांकि दुष्यंत चौटाला के विधायकों की बात तो तब भी सामने आती थी जब वो खुद उप मुख्यमंत्री थे, सरकार में उनकी चन और छन रही थी खूब बढ़िया से। रामकुमार गौतम दादा जैसे लोगों के खूब बयान सुनने को मिलते थे, कभी देवेंद्र बबली के बयान भी सामने आते थे। अब चुनाव डिक्लेयर हो गया है, कल चुनाव की घोषणा हो गई और चुनाव की घोषणा होते होते ही जननायक जनता पार्टी के 4 विधायक उनको पूरी तरह से अलविदा कह गए। 3 विधायक और भी हैं जो अलविदा कहने के कागार पर ही हैं। मैं आपसे सबकी चर्चा करूंगा और इसको जो मैंने आपसे बोला था कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो कुनबा जुड़ता है। लेकिन जब ऐसे कुनबे टूटते हैं तो फिर वो जो हिंदी फिल्म का गाना है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जो 10 विधायक थे जननायक जनता पार्टी के, 4 उन्होंने 4 में से पूरी तरह पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी और 3 ऐसे हैं कि जो पहले से ही दूर चल रहे हैं। 3 ऐसे हैं, वो 4 जिन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी, उनमें 2 नेता तो ऐसे हैं जिनको दुष्यंत चौटाला साहब ने मनोहर लाल की सरकार में मंत्री बनवाया हुआ था, देवेंद्र बबली, हालांकि वो शुरू में तो नहीं बने थे, बाद में मंत्री बने, टोहाना के विधायक थे, पंचायत मंत्रालय जैसा पावरफुल डिपार्टमेंट था देवेंद्र बबली, उन्होंने जननायक जनता पार्टी विधिवत छोड़ दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी वो छोड़े छुड़ाए थे, कुमारी शैलजा के साथ थे। दूसरे विधायक हैं अनूप धानक। अनूप धानक उस समय साथ आए थे जब चौटाला परिवार से दुष्यंत चौटाला अलग हुए और अनूप धानक तब भी विधायक थे, इनके साथ आ गए। 2019 में भी अनूप धानक विधायक बने उकलाना से और विधायक बनने के बाद में मनोहर पार्ट 2 की सरकार में पहले ही दिन से वजीर बन गए, राज्य मंत्री का दर्जा था। अब जब बुरा दौर शुरू हुआ जननायक जनता पार्टी का तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, अनूप धानक भी चले गए। अब तीसरे विधायक इनके अंदर छोड़ने वाले जो हैं वो है रामकरण काला। रामकरण काला ने भी पार्टी छोड़ दी है अब। और चौथे विधायक हैं ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने भी विधिवत इस्तीफा दे दिया है, यानी कि चुनाव डिक्लेयर होने के 24 घंटे के अंदर अंदर 4 नेता 4 विधायक चले गए। अब जो बाकी जो मैं आपसे 3 विधायक कह रहा हूँ जो पहले से ही गए हुए हैं वो हैं जोगीराम सिहाग, बरवाला के विधायक हैं जोगीराम सिहाग,
लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा की मदद की थी, जोगीराम सिहाग को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करने का चिट्ठी लगा रखी है दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने। दूसरे विधायक है रामनिवास सुरजाखेड़ा, नरवाना के विधायक हैं वो। सुरजाखेड़ा साहब ने भी पूरी मदद की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। तीसरे विधायक हैं दादा रामकुमार गौतम। दादा तो सरकार बनने के साथ ही नाराज ऐसे हुए थे कि अब तक मने ही नहीं, वो नाराज ही चल रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये तीनों विधायक भी अलग, अब तीन विधायक जननायक जनता पार्टी के पास रह गए। तीन विधायक रह गए, दो तो माँ बेटा नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला, और तीसरे विधायक हैं अमरजीत डांडा, जुलाना के विधायक हैं। बताया ये जाता है कि जननायक जनता पार्टी को बड़ा भरोसा रहा है कि कोई चला जाए लेकिन उनके चार तो रहेंगे, और जब चार रहेंगे तो फिर बाकियों को अयोग्य करा दिया जाएगा। उस समय की बातें थी जब कभी पार्टी एक थी, और आज की स्थिति अगर क्योंकि अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गया, अब तो कोई कहीं जा सकता है। तो इन विधायकों के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, चार विधायक कौन से माने जाते थे, वो माने जाते थे अमरजीत ढांडा, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला और अनूप धानक। पहला पिलर गिरा अनूप धानक का। अब बात ये आ जाती है कि क्या अमरजीत ढांडा साथ रहेंगे, जुलाना के जो विधायक हैं वो साथ रहेंगे या वो भी दूर हो सकते हैं। जो दिल के टुकड़े टूट टूट कर गिर रहे हैं वो आखिर जाएंगे कहाँ। जो आप चार विधायकों ने पार्टी छोड़ी विधिवत रूप से, मैं नहीं का जिक्र कर लूँ, क्या अनूप धानक कौन सी पार्टी में जाएंगे? तो चर्चा ये है कि अनूप धानक की नज़र भारतीय जनता पार्टी पर है, उनकी भाजपा सरकार के नेताओं से, मनोहर लाल जी से, नायब सैनी से उनकी आजकल बातचीत भी बताया जाता चल रही थी पिछले दिनों से। अनूप धानक जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन करके आए थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई मजबूत चेहरा नहीं है जिसके दम पर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरे, क्योंकि 2014 और 2019 दो अलग अलग कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, दोनों चुनाव हारे अनूप धानक से, और मार्जिन भी कम नहीं रहा, मार्जिन भी अच्छा मार्जिन से हारे। बात आती है दूसरे, तो देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो लोकसभा चुनाव में ही कुमारी शैलजा के साथ थे, एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखे गए। बबली साहब पहले भी कांग्रेस में हुआ करते थे, वापस कांग्रेस में चले जाएंगे। रामकरण काला शाहबाद मारकंडा से हैं, रामकरण काला के बारे में चर्चा है कि वो भी कांग्रेस में जा रहे हैं। और चौथे विधायक ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह के बेटे तो पहले ही जा चुके कांग्रेस में, तो फिर पिताजी भी चले जाएंगे, यानी कि ईश्वर सिंह भी कांग्रेसी हो जाएंगे। अब जो बाकी तीन विधायक हैं दादा रामकुमार गौतम, उनका कोई पता नहीं कि वो तो बहते पानी की तरह है, कहाँ बह जाएं। वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ विधानसभा में बोला करते थे, कभी वो कांग्रेस की फेवर करते थे, कभी वो बीजेपी की फेवर करते थे, कभी हुड्डा साहब की फेवर करते थे, कभी मनोहर लाल की फेवर करते थे। दादा कहाँ जाए पता नहीं, वैसे आजकल अपने हलके में कह रहे हैं कि ठोक कर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन दादा के लिए दिक्कत ये है कि जिस विधानसभा सीट से आते हैं दादा रामकुमार गौतम, नारनौंद विधानसभा सीट है, और वहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी के पास कदावर चेहरे हैं। अगर मैं अगली बात कर लूँ तो जो दो विधायक और हैं, रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग, इन दोनों ने चुनाव के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया था, तो अब मान लें ये भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। यानी कि जो सात विकेट गिरे हैं जननायक जनता पार्टी के, तीन विकेट तीन विधायक उनमें से बीजेपी और तीन विकेट तीन विधायक कांग्रेस, सातवें का पता नहीं दादा रामकुमार गौतम कहाँ जाएंगे। जननायक जनता पार्टी के आपको बताता चलूँ कि बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने भी पार्टी छोड़ी है, कई जिलों के अंदर संगठन तक खत्म हो गया जो उनका संगठन हुआ करता था, हालांकि अब नए सिरे से बनाया। तो ये राजनीति का दौर है, और जब समय बुरा आता है तो कहते हैं परछाई भी साथ छोड़ जाती हैं, तो आजकल दुष्यंत चौटाला साहब के साथ कुछ वैसा ही सब चल रहा है। दुष्यंत चौटाला की मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था आज सोशल मीडिया पर, एक्स पर, जिसमें वो बता रहे थे कि बहुत कुछ सीखा है बुजुर्गों से, गलतियों से, और इस टाइप की उनकी एक पोस्ट थी। तो ये सब कुछ तभी आता है, दिल के गुबार तभी निकलते हैं जब व्यक्ति को कुछ महसूस होता है। तो दुष्यंत चौटाला साहब को भी महसूस तो हो रहा है, लेकिन ये राजनीति है, और राजनीति के अंदर हमेशा किसी का सूर्य पूरी तरह से उदयगामी नहीं हुआ करता, अस्तांचल की तरफ भी जाया करता है। आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी का भविष्य क्या रहेगा? आपको क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला जो किंग मेकर बनकर उभरे थे 2019 में, अब उनका लिए कोई स्थान भी बचेगा या
पार्टी के सितारे गर्दिश में रहेंगे। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।